चाहो इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस हमने सीख लिया था थोड़ा थोड़ा। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस में जब सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट होकर सब क्लास के अंदर आ जाए, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। वो इंटेलिजेंस कहलाता है, राइट? जैसे इसका एग्जांपल है, पेरेंट जब से चाइल्ड होते हैं तो पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली चाइल्ड के अंदर आ जाती है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में दो क्लास की फॉर्म रहती है, एक सुपर क्लास और एक सब क्लास। तो सब क्लास की के अंदर सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब उसके सारे के सारे फंक्शन यानी मेथड्स और उसके सारे के सारे डेटा वेरिएबल्स वो सब सब एक्सेस हो जाएंगे किसमें? सब क्लास में, विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। प्रॉपर्टी में क्या होगा? मेथड एंड वेरिएबल। इसमें एक क्लास दूसरी क्लास की सारी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगी, इनहेरिट कर लेगी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन होगी। आपके पास क्वेश्चन आया व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो ये आपको डेफिनेशन दे रहा है। विद द यूज ऑफ इनहेरिटेंस द इंफॉर्मेशन इज मेड वेरिएबल इन अ हायरार्किकल ऑर्डर। इसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन को हायरार्किकल ऑर्डर में मैनेज कर सकते हैं। द क्लास व्हिच इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर इज नोन एज सब क्लास। जो क्लास प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेगी, जिस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेगी वो सब क्लास कहलाएगी, और जिसकी प्रॉपर्टीज को वो एक्वायर कर रही है वो सुपर क्लास कहलाएगी। द क्लास व्हिच इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर इज नोन एज सब क्लास और ड्राइव क्लास। एंड द क्लास हुज प्रॉपर्टी आर इनहेरिटेड, जिसकी प्रॉपर्टीज को ले रहे हैं, इज नोन एज सुपर क्लास कॉल्ड बेस क्लास और पेरेंट क्लास। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हमें इनहेरिटेंस यूज करना है तो इनहेरिटेंस के केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है वी विल हैव अ सुपर क्लास। In this case, in inheritance, inheritance के case में always involve two class, हमेशा दो class involve होगी, एक super class होगी और एक sub class होगी। Super class की सारी properties sub class acquire करेगी, sub class acquire all properties of super class। Sub class all properties of super class, right? In this case, this class acquire all the property, sub class are given the property acquire कर रहा है, इसलिए इसको sub class बोलते हैं। इसको हम derived class भी बोल सकते हैं, as well as we can also call it derived class, and this gets also called base class, so base class भी बोल सकते हैं, right? तो ये दो नाम हो गए, super class भी और base class भी, sub class भी और derived class भी। So this is the definition of inheritance, right? In inheritance always क्या होगा? हमेशा दो क्लास की फॉर्म होगी, एक क्लास सुपर क्लास होगी, एक क्लास सब क्लास होगी। एक क्लास को प्रॉपर्टी एक्वायर करेगी और एक क्लास सारी प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराएगी। तो जो क्लास सारी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है वो सब क्लास कहलाएगी, और जो क्लास प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रही है वो कहलाएगी सुपर क्लास। सुपर क्लास को बेस क्लास भी बोलते हैं, सब क्लास को डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं। दिस इज द इनहेरिटेंस, इट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस यूज कैसे होगा जावा के अंदर? याद करो सी लैंग्वेज के अंदर अगर इनहेरिटेंस यूज करते थे तो वहां पर क्या करते थे? एक कोलन कीवर्ड यूज करते थे, कोलन ऑपरेटर यूज करते थे, और उसकी मदद से हम इनहेरिटेंस यूज करते थे। अब यहां पर इनहेरिटेंस को कोलन की जगह यहां पर एक कीवर्ड दिया है जावा के अंदर, जिसका नाम होता है एक्सटेंड्स।
बाय विल यूज इन जॉब फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में हम यहां पर जॉब के अंदर एक्सपेंस कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। एक्सपेंस कीवर्ड का मतलब होगा कि क्या बताऊंगा, एक्सपेंस इज द कीवर्ड यूज्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास। एक्सपेंस कीवर्ड यूज होता है एक्वायर करने के लिए प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास। फॉलोइंग इज द सिंटैक्स, किस सिंटैक्स होगा, सिंटैक्स क्या होगा, सिंपल का सिंटैक्स है, एक क्लास होगी सुपर क्लास शुरू की क्लास अंदर की बीच में इसकी सारी प्रॉपर्टी का भी एक क्लास होगी सब एक्सटेंड कराया सुपर क्लास को। तो सुपर क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी क्लास सब के अंदर क्या रहेगी, इनहेरिट हो जाएगी, राइट। तो यहां पर जो है सब तो सब क्लास होगी और सुपर कुछ होगी सुपर क्लास होगी। तो इस तरह से इसका हम यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सा सिंटैक्स है इसका इनहेरिटेंस का, इनहेरिटेंस का ये सिंपल सा और उसके अंदर हमने एक्सटेंड कर लिया एबीसी। तो ये यहां पर ये वाली जो एक्स वाई जेड क्लास है किस क्लास विद कॉल्ड सब क्लास एंड एबीसी क्लास विद कॉल्ड अ सुपर क्लास। और यहां पर हम कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे हैं, एक्सटेंड कीवर्ड यूज कर रहे हैं। ये क्या करेगा, एबीसी क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी एक्स वाई जेड को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक्स वाई जेड क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एबीसी क्लास। एबीसी क्लास की सारी की सारी प्रॉपर्टी एक्स वाई जेड के अंदर इनहेरिट हो जाएगी। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा एबीसी के अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स हैं यानी जितने भी मेथड्स हैं जितने भी फील्ड हैं जितने भी डेटा वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे इस क्लास के अंदर एक्सेस हो जाएंगे। इट इज अ यूजफुल जो इनहेरिटेंस है वो हमारा यूज होता है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड के लिए। इनहेरिटेंस यूज होता है फॉर रीयूजेबिलिटी ऑफ रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। इसकी मदद से हम कोड को बार बार चेक कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। दिस इज यूज फॉर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड इन एन एसक्यूएल होता है। इसमें रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है, रीयूजेबिलिटी मतलब ये है कि आपने एक क्लास बनाई उस क्लास के अंदर इसके डेटा मेंबर्स रहेंगे नहीं, यानी कि इसके अंदर यूजर रोज रहेंगे एट द टाइम डेटा वेरिएबल्स रहेंगे सारी चीजें की। अब वो नहीं हमें दूसरी क्लास के अंदर यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन डेटा मेंबर्स को बार बार लिखना ही पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन इनहेरिट कर रही है मेथड्स एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ कैलकुलेशन क्लास।
जो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही है वो सब क्लास की, और जो प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रही है वो सब क्लास की। तो माय इन्वर्स कैलकुलेशन इनहेरिट कर रही है मेथड एडिशन और सबट्रैक्शन इसके एक्सट्रीम क्लास की। तो कैलकुलेशन क्लास की क्लास हुई टू कर और माय इन्वर्स कैलकुलेशन क्लास की क्लास हुई सब राइट। इनके बीच में बोलते हैं कि बढ़ाएंगे इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड्स की और हमें तो सब की बढ़ाएंगे एक्सटेंड्स की और हमें यानी कि माय इन्वर्स कैलकुलेशन क्लास माय इंटर स्कोर कैलकुलेशन एक्सटेंड कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के अंदर जितने भी डेटा मेंबर होंगे वो माय इंटर कैलकुलेशन क्लास के अंदर आ जाएंगे राइट। देखो तो कैसे यहां पे एक क्लास बनाई, क्लास का नाम रखा कैलकुलेशन, एक बार मैंने क्लियर कर दिया एक चीज है। इसके बाद हमने इसके अंदर दो मेथड बनाए, एक तो पब्लिक वॉइड एडिशन जितने भी डेटा मेंबर है वो माय इंडेक्स कैलकुलेशन क्लास के अंदर आ जाएंगे। इस क्लास के अंदर हमने पब्लिक मल्टीप्लिकेशन नाम का मेथड बनाया इंडेक्स एंड वाई एक जेड नाम का वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर हमने इसको जेड इक्वल टू एक्स इनटू वाई कर दिया राइट। सिस्टम ऑफ रोटेटर के लिए लेफ्ट वेरिएबल प्रिंट करा दिया, जेड हमने इंडिकेट करा क्योंकि जेड हमारा ऑलरेडी हमने यहां पे क्लियर कर रखा है ऊपर वाली क्लास में इंटीजर राइट। तो जेड की वैल्यू प्रिंट करा ली, उसके बाद हमने इस क्लास के अंदर एक मेन मेथड बनाया पब्लिक सेट इक्वल टू मेन के अंदर वैल्यू दी a20 b20, माय कैलकुलेशन का ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का और हमने मेथड ऑफ नेबर एडिशन a एंड b वैल्यू पास कर दी, नेबर सेक्शन a और b वैल्यू पास कर दी, नेबर मल्टीप्लिकेशन a और b वैल्यू पास कर दी, इन मेथड हमने फॉलो कर लिया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस, ये एग्जांपल है किसका सिंगल इनहेरिटेंस का राइट। देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस राइट। हमने सपोज एक क्लास बनाई, इस क्लास का नाम हमने सिंपल रख दिया एबीसी, इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल ए लिया जेड, एक हमने मेथड बनाया पब्लिक वॉइड ऐड और इसके अंदर दो वेरिएबल हमने पास कर दिए इंट एक्स एंड इंट वाई। जेड के अंदर हमने लिखा एक्स प्लस वन राइट और यहां पर हमने जेड को प्रिंट करा लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन जेड, जेड प्रिंट हो गया राइट। फिर हमने यहां पर दूसरा मेथड बनाया पब्लिक वॉइड सब सबट्रैक्ट के लिए सब ले लिया नाम, यहां पर दो वेरिएबल पास करें पास करा एंड वाई यहाँ से जो था जेड के अंदर हमने कर दिया एक्स माइनस वाई राइट और यहाँ पे जेड की वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया, हमने यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, हमने जेड को प्रिंट करा दिया, यहाँ हमारा ये मेथड हो गया और ये हमारी यहाँ पे क्लास हो गई राइट। तो ये क्लास होगी, क्लास का नाम है एबीसी और इस क्लास के अंदर एक तो डेटा एक वेरिएबल है जिसका नाम है इंट जेड, जेड इसका नाम है इंट जेड का और दो मेथड है एक है इसका नाम है जेड और इसका नाम है सब, ये सारी चीज ये इसी नंबर क्लास के अंदर है। अब हमने एक दूसरी क्लास बनाई, इस क्लास को हमने पब्लिक कर दिया, क्लास का नाम हमने रख दिया एक्स वाई जेड और इस क्लास के अंदर हमने एक्सटेंड कर लिया एबीसी क्लास राइट। इस एबीसी क्लास
इसके अंदर हमने एक मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक बॉडी मेन, ये मेन हो गया जावा का मेन मेथड हो गया। तो नाम को मुझे मेन से चलता है ये स्ट्रिंग टाइप का है, हमने जो है इसके अंदर पास कर दिया, यहां पे शुरू हुआ। इसके अंदर हमने एक्सवाइजेड क्लास का क्या बनाया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया किसका एक्सवाइजेड क्लास का, नाम इसका क्या है ओबी, राइट। अब हमने इसकी मदद कर दी, हमने कॉल करा ओबी डॉट ऐड और इसके अंदर दो वेरिएबल पास कर दिए, हमने कॉल करा ओबी डॉट सब्ट्रैक्ट और इसके अंदर हमने दो वैल्यू पास कर दिए, यहाँ हमारा वेरिएबल हो गया आपको चेक करना है। अब इसके बाद आप इसके बाद आपको जल्दी फैक्टर बैक के अंदर इसको